नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं पूनम। गुजरात में वडोदरा के श्री नारायण स्कूल में दूसरी मंजिल पर कमरे की एक दीवार गिरने से 4 बच्चे घायल हो गए। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें 4 बच्चे बेंच सहित 10 फीट के नीचे गिरते नजर आए। एक छात्र को सिर पर चोट आई है, 3 को हल्की चोटें हैं। यह घटना शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे की है। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस को बुलाया गया। पुलिस दीवार गिरने के कारण का पता लगा रही है। उधर वडोदरा पेरेंट्स एसोसिएशन ने शनिवार को स्कूल संचालक के खिलाफ प्रदर्शन किया। मामले को लेकर केस दर्ज भी कराया जा सकता है। पुलिस ने घायल बच्चों, उनके परिजनों और स्कूल प्रबंधन का बयान दर्ज किया है। इस स्कूल में 1200 से भी ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। शुक्रवार को दीवार गिरने के बाद स्कूल की छुट्टी कर दी गई थी। स्कूल को स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट 1 माह पहले ही दिया गया था। दीवार गिरने के कारण का अभी पता नहीं लगा है। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है। स्कूल के प्रिंसिपल रूपल बेन शाह ने बताया कि हमें एकदम से बहुत तेज आवाज आई। इसके बाद हम दीवार गिरने वाली जगह पहुंचे तो पता चला कि 4 बच्चे घायल हैं। 1 बच्चे को सिर पर टाके लगे हैं। मलबे में बच्चों की साइकिलें दब गई। हमें अंदाजा नहीं था कि ऐसी घटना होगी। स्कूल की जो दीवार ढही उसकी ऊंचाई लगभग 20 फीट थी। बच्चे पहली मंजिल पर यानी कॉन्फ्रेंस हॉल के ऊपर बैठे थे और दीवार के ठीक पीछे एक शेड था। बच्चे 10 फीट की ऊंचाई से गिरे, लेकिन इसी शेड के चलते गंभीर रूप से घायल होने से बच गए। हालांकि एक बच्चे के सिर पर दीवार पर कुछ मलबा गिरा जिससे वह घायल हो गया। बच्चे के सिर पर 3 टांके आए हैं। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।